हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में। यहां से हम जाएंगे प्रेम मंदिर। मंदिर के अंदर का दृश्य इतना मनोहर है कि आप पलकें तक नहीं झपका पाएंगे। अंदर विभिन्न प्रकार की रोशनी से मंदिर इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि आप वहां से जाने का मन शायद ही करें। मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण की मूर्ति रखी गई है और ऊपरी तल पर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति रखी गई है, इसीलिए इसको प्रेम मंदिर कहा जाता है। मंदिर करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारी झांकियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की। मंदिर खुलने का समय है सुबह 5:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इसीलिए जो लोग भी प्रेम मंदिर जाएँ टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। आगे जो आप ये देख रहे हैं ये है गोवर्धन पर्वत की झांकी। यह वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और जितने भी गोकुल मथुरा वृंदावन के लोग थे सभी की जान बचाई थी। इस मंदिर में एक बहुत ही सुंदर फव्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन यह म्यूजिकल फव्वारा सिर्फ शाम के समय ही चलता है। प्रेम मंदिर के म्यूजिकल डिजिटल फव्वारे की गर्मियों में टाइमिंग 7:30 बजे की है और सर्दियों में 7:30 बजे की है। अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे इसमें अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई देंगी। ये म्यूजिकल फाउंटेन सिर्फ आधे घंटे के लिए ही चलता है, समय का विशेष ध्यान रखें जब भी आएँ। यहाँ पर एक और झांकी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, और यहाँ पर देखो झांकियाँ हैं बहुत सारी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचा रहे हैं और राधा भी हैं यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी भी है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है और ऊपर तल पर है यहाँ पर राम, भगवान श्री राम और सीता की है। और ये देखिए जगत गुरु महाराज की, जिन्होंने मंदिर बनवाया था, ये स्थापना की थी इन्होंने मंदिर की। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ और आगे भी ऐसे ही ब्लॉग्स लाता रहूँगा आपके लिए। तो सभी लोग राधे राधे बोलो और अगले ब्लॉग में मिलते हैं।